आज हमने जो चैप्टर पढ़ना है उसका नाम है यूनिट नंबर 1, फ़ीसद, नस्बत और तनासुब। इसे इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज, रेशो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, इस चैप्टर के मैं आपको सारी एग्जांपल्स करवाऊंगी, डेफिनेशंस करवाऊंगी। ठीक है, पहले हम डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद हम सारी एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपको ये सारा समझ आ जाए। ठीक है, ये पूरा इंशाल्लाह मैं आपको ये चैप्टर कवर करवाऊंगी। सबसे पहले तो आप अपनी बुक खोलें, ठीक है, वहाँ से मेरे साथ साथ आप समझते जाएं ताकि आपको सही से समझ आता रहे। सबसे पहले इस यूनिट में आपको उन्होंने बताया है कि ना फ़ीसद क्या होता है, ठीक है, फिर उन्होंने आपको बताया नस्बत क्या होती है, फिर बताया तनासुब क्या होता है। तो सबसे पहले हमने इसमें पढ़ना है वो क्या है कि फ़ीसद क्या है, फ़ीसद। ठीक है, अब इसमें हम पहले पढ़ लेते हैं फ़ीसद क्या है। तो फ़ीसद हमेशा आपने ये निशान अक्सर देखा होगा ऐसे, ठीक है, इसको हम कैसे बनाते हैं, बेशक आपका ऐसे दिल करे आप ऐसे बना लें, और कुछ लोग जैसे मैंने जल्दी में बनाया था इसे हम ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ये लफ्ज हमने अक्सर देखा होता है, जैसे ना कपड़ों के ऊपर अक्सर लिखा होता है 10% या ऐसे। तो इस निशान का क्या मतलब होता है, इस निशान को इंग्लिश में कहते हैं परसेंट, परसेंट, और इसे लातीनी जबान में कहते हैं पर सेंट टम, और इसे उर्दू जबान में कहते हैं सौ में से, सौ में से। इसे अरबी जबान में कहते हैं फीसद, और इसी लफ्ज़ को हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं। हम हमेशा कहते हैं ना कि इस चीज़ पर 5% बचत देंगे, इस चीज़ पर हमको 10% बचत देंगे, तो हम ज़्यादातर यही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं फ़ीसद, और इंग्लिश में हम इसको परसेंट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ना हम परसेंट लफ्ज परसेंटम इस्तेमाल करते हैं, ना हम सौ में से इस्तेमाल करते हैं, हम यही दो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इस निशान को हम ये चारों में से कोई भी नाम कह सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर वो कहें कि आप कहीं देखें ना लिखा हुआ है 40%, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 100 में से 40, क्या मतलब है के 100 में से, जैसे हम कहेंगे 100 रुपयों में से 40 रुपये, इसे हम लिखते हैं 40 100 में से। ठीक है, ऐसे पढ़ सकते हैं कि 100 में से 40, या कुछ बच्चे ऐसे पढ़ते हैं 40 रुपये 100 में से। ठीक है, आपका जैसे दिल करें आप, जैसे अगर हमारे पास आपकी बुक की मैं एग्जांपल्स आपको साथ साथ करवा रही हूँ, लिखा होता है 60%, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जी 100 में से 60। फिर लिखा होता है जैसे आपकी बुक ने करवाया है 85%, इसका मतलब है 85/100, मतलब 100 में से 85। ठीक है, ये इसका लफ्ज़ हो गया, यानी कि इसका मतलब होता है, उन्होंने सिर्फ आपको बताया कि 40% का क्या मतलब है, 60% का क्या मतलब है और 85% का क्या मतलब है। ये बहुत आसान होता है, 40% क्या मतलब होता है, मुश्किल तब आएगी जब हम अगली एग्जांपल सॉल्व करेंगे और उसमें से वो कहेंगे कि जी आपको हमें सिर्फ इतना पता होता है कि ना 40% का क्या मतलब है, ये तो हमें पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि 40% 1000 रुपये का 40% क्या है, 100 का 40% का ये मतलब है 40 रुपये, ये हमें वैसे ही आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कहिए 20%, तो आपने कहना है 100 का 20%, यानी कि 20 रुपये, 40% का मतलब होगा 40 रुपये। लेकिन जब हमसे कोई पूछे ना 1000 का 40% कितना होता है, उस टाइम हमें जवाब नहीं आता। या हमसे कोई कहे कि 700 रुपये का 40% कितना होता है, वो हमें नहीं आता होता, तो वो हमने इस चैप्टर में सीखना है। ठीक है, आम 40% का मतलब होता है 40, यानी कि अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास 100 रुपये हैं तो 40% कितना है, आपने कह देना है 40, लेकिन हमने फाइंड करना है कि 1000 का 40% कितना है, 700 का 40% कितना है, और इस तरह की बाकी चीज़ें हमने फाइंड करनी है। ठीक है, इस चैप्टर में हमने ये फाइंड करना है। पहले तो उन्होंने बहुत आसान बता दी 40% का क्या मतलब है, 60% का क्या मतलब है, 85% का क्या मतलब है, इसके बाद हम ये बाद में मुश्किल वाली चीज़ें भी सीखेंगे। ठीक है, ये हमने बाद में सीखना है, अभी बस आपको ये आसान सा पता होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत आसान है, ये आपको अभी पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आपकी किताब वालों ने हमें बताया है कि जी दूसरा आपकी किताब, आपको पता लग गया पहला आपका मशक हल हो गया, मतलब पहली आपकी जो मशक में आपको बताया गया कि आपको ये पता होना चाहिए, आपको पता चल गया। दूसरा, आपकी किताब ने कहा है कि आपको फ़ीसद को कसर में तब्दील करना आना चाहिए, फ़ीसद को कसर में तब्दील करना।
तब डील करना कैसे करेंगे। हमें पता लगा फीसद का क्या मतलब होगा, जिस भी रकम के साथ ये वाला निशान होगा वो फीसद वाली रकम होती है। अब कसर किसको कहते हैं, आप मुझे बताएं कसर किसको कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कसर का क्या मतलब है। कसर इंग्लिश में इसे कहते हैं फ्रैक्शन। जिस भी रकम में, ठीक है, कसर और फ्रैक्शन एक ही चीज़ें हैं। इनका मतलब है जिस भी रकम में बटा इस्तेमाल होता है उस रकम को हम कहते हैं कसर। कैसे, बटे का क्या मतलब है, 2/5, 1/5, या जैसे हमारे पास 11/9, 1/4, ये सारे इनमें बटा इस्तेमाल हो गया ना, यानी कि दो रकमें हैं और दरमियान में बटा है, तो इसको हम कहते हैं ये हमारे पास एक कसर वाली रकम है। ठीक है, तो अब कितना अजीब है कि हमने इस रकम को कसर में तब्दील करना है। ठीक है, अब ये हमें सिखाएंगे आपकी किताब में। इसमें उन्होंने क्या है, कैसे, पहला सवाल कौन सा है आपकी किताब में, इसमें उन्होंने आपको कहा है कि आप बदलाएं तीस फीसद। ठीक है, उन्होंने आपको कहा है कि 30% को कसर में तब्दील करें। इसमें आपने क्या करना है, आपने ये रकम लिखनी है, 30% को बदलाना है ना, 30% को, तो आपने लिखना है 30 और इसको आपने उड़ा देना है, इसके बजाय आपने लिख देना बटा 100 बस। यानी कि 30% का मतलब होता है 30/100। आपका जवाब मुकम्मल हो गया। ये कौन सी वाली फॉर्म है, इसको हम कहते हैं कसर, और ये कौन सी वाली थी, फीसद। तो हमने एक फीसद वाली रकम को कसर वाली रकम में तब्दील कर दिया, हमारा सवाल मुकम्मल हो गया। बस ये आपका सवाल था, वो छोटा सा सवाल था। ठीक है, अगला सवाल उन्होंने कहा है कि आप 55% को कसर में तब्दील करें। इसमें आपने क्या करना है, वही आपने लिखना है कि जी 55% को बदलाना है, इसका मतलब होगा 55, मैंने ये उड़ा दिया और नीचे मैंने क्या लगा दिया, 100, तो बस ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। हमने क्या किया, हमने एक फीसद वाला रकम मुकसर में तब्दील कर दिया और हमारा सवाल मुकम्मल हो गया। ठीक है, अब आपकी किताब में आगे क्या लिखा हुआ है, आगे उन्होंने दिया हुआ है, पहला जो उनका क्वेश्चन है वो है कि आप 70% को कसर में चेंज करें। ठीक है, कैसे आपने चेंज करना है, आपने ये लिखना है कि 70% बराबर है 70, ये कसर उड़ा, मतलब फीसद का निशान उड़ा दूं और नीचे लगा दूं 100, ये जवाब मुकम्मल हो गया। ठीक है, इतना सा, देखिए बहुत छोटा सा सवाल है लेकिन आपके नंबर आ जाएंगे अगर आपके पेपर में सवाल आया। अगला सवाल है जी, वो थोड़ा मुश्किल है, उसमें उन्होंने लिखा है 22/1/2% को कसर में तब्दील करें। ठीक है, ये फ्रैक्शन ही है, क्यों है, क्योंकि इसमें बटा इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये फ्रैक्शन के तीन हिस्से हैं। आमतौर पर फ्रैक्शन के हमने हमेशा दो, जैसे हम पढ़ते हैं 1/2, ठीक है, ये तो हमें पता होता है 1/2, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 22/1/2। इस फ्रैक्शन को हम इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन। ठीक है, कंपाउंड फ्रैक्शन, तो हमने क्या करना है, हमने कहना है ये वाली रकम है, ठीक है, हम इसको बदला लेते हैं। आपने लिखना है कि क्या रकम है हमारे पास, 22/1/2। इसे आपने कहना है, इन दो रकमों को आप आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई करें। कैसे करें, ये 22 और ये 2, 2/4, 2/4, 44 आंसर आ गया। ऊपर वाला रकम इसमें जमा कर दें, ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो 1 इसमें जमा कर दें, आपके पास बन जाएगा 45। इस 45 को लिखें, बटा लगाएं, और नीचे जो ये वाली रकम लिखी हुई थी ना, ये बटे के नीचे, ये बस आप लिख दें, यानी कि ये और ये दोनों एक जैसे रकमें हैं। ये भी कसर वाली रकम थी, इन दोनों को मैंने लिखा है, आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, रकम असल में क्या लिखी हुई थी हमारे पास, रकम थी कि जी 22/1/2 कसर थी। मैंने इस कसर के ऊपर रियाजी इस्तेमाल की कि मैंने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाली रकम को जमा कर दिया, फिर मैंने ये वाली निकाल ली। इस कसर को मैं एक आसान कसर के अंदर ले गई। अब इस कसर को, इसके साथ फीसद का निशान भी था, ये वाली फीसद है, ये वाली भी फीसद है। ठीक है, इसे सिर्फ कसर के अंदर लिखना है। ठीक है, यानी कि उन्होंने हमें एक कसर और फीसद इकट्ठा मिला कर दिया हुआ है, लेकिन पूछी सिर्फ कसर है, तो मैंने इस कसर से एक और कसर निकाल ली। इस कसर में से मैंने फीसद उड़ानी है ना, उन्होंने कहा फीसद हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं आगे से क्या लिखूंगी, मैं ये लिखूंगी हमारे पास 45
मैं इसे लिखूंगी कि हमारे पास, इसको मैंने उड़ाना है, ठीक है? तो मैं इसे आगे कैसे लिखूंगी? मैं इसे लिखूंगी 45/2, ठीक है? और इस पूरी रकम के नीचे, जब हम पूरी रकम के नीचे हम क्या करते हैं जब हमने इसको उड़ाना हो, तो हम इसके नीचे लिख देते हैं, ठीक है? हमें पता है ना कि जब हमने बटा उड़ाना हो तो हम उस पूरी रकम को 100 के साथ तकसीम कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्या था, 55 तकसीम कर दिया था 100 के साथ, 30 को तकसीम कर दिया था 100 के साथ, तो यहाँ पर भी हमने लिखना है कि 45/2 इस रकम को हम तकसीम कर रहे हैं किस पर? 100 पर, ठीक है? अब इसको ऐसे लिखते हैं, 45/2 इस ज़रब के तकसीम के निशान को हमेशा हम बदलाते हैं ज़रब के अंदर। यहाँ पर लिखा हुआ था 100, 100 के नीचे कुछ ना होना, तो हम कहते हैं 100 के नीचे एक लिखा हुआ है। जब ये निशान बदलाते हैं ज़रब के अंदर तो हम कहते हैं एक ऊपर चला जाएगा और 100 क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, ठीक है? आपने बहुत ध्यान के साथ ये जो 100 है इसको मैंने कैसे 1/100 में लिखा है आपने याद कर लेना है, ठीक है? समझ लिया ना आपने कि यहाँ पर बटा 100 था, तो बटे को हमेशा हम ज़रब के अंदर बदला दिया, ज़रब फिर हमारे पास नीचे एक था, एक ऊपर चला गया, 100 नीचे आ गया, ये रकम इसमें उल्टी, ये रकम इसमें उल्टी, बस। आगे से तो आपको पता है ना कि इनमें आपस में कटिंग होना शुरू हो जाएगी। कैसे कटिंग होगी? ये इनकी हमारे पास ऊपर आ गया हमारे पास 45, इसकी अगर मैं कटिंग करना चाहूँ 5 के टेबल पे, ठीक है? अब कटिंग आती है, ठीक है? इसे हम 5 के टेबल पे करना शुरू करते हैं, 5, 9 बार, 5, 2 बार, 10 और 0। इन दोनों की कटिंग आगे से नहीं होगी। 3 के टेबल पे 9 आता है लेकिन 20 नहीं आता, तो मैं लिखूँगी 9 ज़रब 1 और 2 ज़रब 20, 9 ज़रब 1 और ये 2 ज़रब 20, 9 एक बार 9 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 40, ठीक है? अब मुझे बताएं, 7 तकसीम का मुझे फ़ीसद का निशान लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि मैंने फ़ीसद के निशान को उड़ा दिया था, फ़ीसद के निशान को मैंने क्या किया, उड़ा दिया, तभी तो मैंने 100 लगाया था, ठीक है? तो अब इस रकम के साथ 100% का निशान नहीं आएगा और ये हमारा आंसर है, ठीक है? आपने इस सवाल को ना एक दो दफ़ा ज़रूर करना है कि कैसे हमने एक कंपाउंड फ्रैक्शन को पहले सिंपल फ्रैक्शन के अंदर लिखा, 7% का निशान आ रहा था, हमने 7% के निशान को हटाया, हटाने के बाद एक आम सा जवाब बन गया और ये 40 लिखा हुआ, ठीक है? ये एक हमारे पास क्या है, ये एक आम कसर है, ठीक है? और उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने हमें यही तो कहा था कि आप एक फ़ीसद को, जिसके साथ 100% का निशान था, 100% का निशान उड़ा दें, और हमने उड़ा दिया। उसके बाद हमारी रकम क्या बन गई, 9/40, ये आपका आंसर है, ठीक है? 1, 2, 3, 4 सवाल हो गए, अब हम 5वां सवाल करते हैं। पांचवें सवाल में हमारे पास रकम है 45/1/2%, इसको हमने बदलाना है कसर के अंदर, ठीक है? कसर का ये मतलब होगा, हालांकि ये भी कसर की ही एक है लेकिन कसर के साथ फ़ीसद इस्तेमाल हो रहा है, इसका ये मतलब है कि हमने 100% के निशान को हटा देना है। अब मैंने आपको जैसे पहले करके दिखाया था वो सारे स्टेप आपने यहाँ पर लिखने हैं। आप इसे ऐसे लिखना शुरू करें कि 45/1/2% का मतलब होता है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, इन दोनों जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 90, 45 2 दफ़ा 90, 90 के अंदर एक जमा करेंगे तो 91 बटा 2, ये तो इस सारे का मैंने निकाल लिया, क्या बन गया 91/2, 100% का 100% साथ आ गया, ठीक है? अगले स्टेप के अंदर मैंने क्या किया, 91/2% उड़ा दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया कि इस पूरी रकम को आप तकसीम कर दें 100 पर, ठीक है? तभी तो मेरी फ़ीसद उड़ गया 100% और साथ लगा दिया तकसीम बटा, इसको तकसीम कर दें 100 के साथ। अब मैंने जो पता है कि 100 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 100 के नीचे क्या है, एक है, तो मैंने लिखा 91/2, तकसीम को मल्टीप्लाई के अंदर चेंज किया, 100/1 से मैंने कर दिया 1/100। अब यहाँ से फिर हमें कटिंग करनी होती है, ठीक है? यहाँ से मैं कटिंग करूँ तो मेरी कटिंग नहीं हो रही, ठीक है? ये आपस में कट नहीं होती, तो अब मैंने क्या लिखना है, मैंने इसको लिखना है जी 91 × 1/2 × 100, इसका मतलब होता है 91/200, बस ये हमारी कसर आ गई, ये हमारा जवाब है, ठीक है? यानी कि मैंने क्या किया, मैंने इस रकम को
जो एक फ़ीसद वाली रकम थी एक कसर वाली रकम के अंदर तब्दील कर दिया है, और यहाँ पर आपका ये वाला सवाल हल हो जाते हैं। ठीक है, इन सवालों को आपने बार बार करना है। इन सवालों में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि फ़ीसद को कसर में कैसे बदलाते हैं। फिर उन्होंने हमें सिखाया है कि कसर को फ़ीसद में कैसे बदलाते हैं। ठीक है, इसका उन्होंने दूसरा हमें जो सिखाया है, इसमें उन्होंने हमें सिखाया है कसर को फ़ीसद में तब्दील करें। ठीक है, इसमें उन्होंने कहा है कि आपके पास कैसे तब्दील करें जो भी रकम है। ठीक है, इन्होंने कहा कि आपके पास कसर वाली रकम होगी। ठीक है, कसर वाली रकम होगी, उसे आपने क्या करना है, उसे आपने ज़रब दे देनी है 100% के साथ, तो आपका जवाब आ जाएगा। सिर्फ आपने ये करना है, कसर की रकम को लेना है, 100 के साथ ज़रब देना है, आपका जवाब आ जाएगा फ़ीसद के अंदर। कैसे? अब हम इसकी एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स के अंदर सबसे पहले एग्जांपल जो दी हुई है आपकी किताब के अंदर, उन्होंने कहा है बदलाएं 7/20 कसर को फ़ीसद के अंदर बदलाएं। किसके अंदर बदलाएं? फ़ीसद के अंदर बदलाएं। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि इस रकम को लें, इसे ज़रब दे दें, ये कसर वाली रकम है ना, देखें ये कसर वाली रकम हो गई, ज़रब किसके साथ देनी है 100 और फ़ीसद के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर कटिंग हो सकती है, जहाँ पर कटिंग हो वहाँ पर ज़रूर किया करें। ठीक है, क्योंकि आंसर हमें छोटा चाहिए होता है, तब हम कटिंग करेंगे, हम कहेंगे 0 के साथ 0 कैंसिल हो गया, 2 एक बार, 2 5 बार, तो ऊपर रह गया 7/5 कितना होता है 35, और नीचे तो 1 रह गया है। ठीक है, अब आप अगर आपको दिल करे तो आप लिखें 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं, मतलब 1 1/1 1, तो अगर आपको दिल लिखे तो आप लिख सकते हैं 35/1, लेकिन 35/1 को हमें हमेशा सिर्फ 35 लिखते हैं। ठीक है, इसको बस इससे मतलब, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 100 के नीचे कुछ भी नहीं था, तो इसका मतलब है 100 के नीचे 1 था। ठीक है, इसलिए ज़्यादातर हम इसको 100 ही लिखते हैं, तो जैसे 35/1 था, तो हम इसको सिर्फ 35 और 7% का निशान, जैसे फ़ीसद यहाँ पर था ना, ये फ़ीसद यहाँ पर भी लिखा और ये 35%। अब देखिए हमने क्या किया, हमने एक कसर वाली रकम जो कि हमारे पास रकम थी 7/20, इसको हमने एक फ़ीसद वाली रकम के अंदर तब्दील कर दिया। ठीक है, अब अगला हमारे पास सवाल है, आप बदला कर दिखाएं 9/20 को फ़ीसद के अंदर। तो हमने वही कहना है कि 9/20 को ज़रब दे दें 100 के साथ और 7% का निशान भी लगा लें। तो हमने कहना है 0 के साथ कट गया, 2 5 बार, और 9 5 बार क्या होता है 45। ये तो हो गया इन सब का जवाब, इन सब का जवाब क्या आ गया 45, और फ़ीसद का निशान 7, ये 45 मैंने लिखा है। ठीक है, 45 और फ़ीसद का निशान 7 ऐसे ही आ जाएगा, बस हमारा सवाल मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 3, इसमें उन्होंने कहा है कि आप बदलाएं 7/5 कसर को फ़ीसद के अंदर। तो हमने वही कहना है, हमने कहना है 7/5 ज़रब दे दें 100% के साथ। ठीक है, इन सबको मैं आपस में क्या करूँगी, मैंने कहना है कोई कटिंग हो रही है। ठीक है, 5 1/5 5 2/10 और 0, और इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 140 और फ़ीसद के साथ निशान आ जाएगा। सवाल मुकम्मल। अगला सवाल, उसमें उन्होंने कहा है 1/3 कसर को फ़ीसद के अंदर तब्दील करें। हमने कहना है 1/3 ज़रब 100 और फ़ीसद, तो हमने कहना है कटिंग नहीं हो सकती, 3 और 100 की कोई कटिंग नहीं होती। ठीक है, तो हमने लिख देना है ऊपर, हमारे पास क्या आ जाएगा 100/3 फ़ीसद। अब अगर आपका दिल करे तो आप यहाँ तक आंसर लिख सकते हैं, हमने क्या किया, हमने एक कसर व रकम को फ़ीसद के अंदर बदला दिया, यहाँ तक भी आंसर ठीक है। लेकिन अगर आप देखें, ठीक है, तो हमारे पास अगर मैं लिखा हुआ ना 100 को तकसीम करें 3 पर, अगर मैं करना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 100 को तकसीम करें 3 पर, तो मैं क्या लिखूँगी, 3 3 बार 9 और यहाँ पर 1 और ऊपर से आ गया 0। ठीक है, फिर मैं लिखूँगी 3 3 बार 9 और आगे रह गया 1, तो इसको ऐसे लिखते हैं हमेशा, जो आपको यहाँ पर आंसर लिखा होता है ना, ये मेरे पास क्या आ गया 1, तो इसको हमने ऐसे लिखते हैं, इसे ऊपर क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 33 है और यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो इसको आपने कैसे लिखना है, इसको आपने लिखना है 33 और यहाँ 1 है, तो आपने लिखना है 1/3। ठीक है, ये एक आम कसर थी। ठीक है, इसी को लिखने का दूसरा तरीका है 33 1/3 फ़ीसद। ठीक है,
ये ज़्यादा ठीक तरीके है। अगर आप यहाँ लिखते हैं 100/3% तो भी ठीक है, लेकिन गौर करें कि ये दोनों आपस में तकसीम हो रहे हैं ना, और हमारे पास आंसर बन सकता है 33। पहले यहाँ पर मैं 33 लिख दूँ, नीचे जो बचा वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, जो बाहर वाली रकम थी तो मैंने यहाँ पर लिख दी, आगे से वही फ़ीसद का निशान आ गया, तो ये ज़्यादा ठीक तरीका है। अगर आप यहाँ तक भी फ़ीसद दे देना कि 100/3% तो ठीक है, लेकिन ये वाला सादा सवाल आपका जवाब ठीक होगा अगर आप ज़्यादा छोटे से छोटा आंसर करके लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपके सवाल ख़त्म हो गए, ठीक है। अब अगला, आपकी किताब में कहा गया है कि आप फ़ीसद को इशारिया में तब्दील करें, में तब्दील करें, ठीक है। फ़ीसद की रकम को इशारिया में बदलाना है, और अगर हम आपको इशारिया वाली रकम दें तो आपने उसको फ़ीसद में बदलाना है। अभी हमने ऊपर क्या सीखा था, हमने सीखा था कि जी अगर हमें वो फ़ीसद देंगे हम उसे कसर में कैसे बदलाते हैं, कसर वाली कोई रकम हो तो फ़ीसद में कैसे बदलाते हैं, ठीक है। अब हमें उन्होंने बताया कि अगर आपको हम फ़ीसद दें तो उसको आप इशारिया में कैसे बदलाएंगे, और अगर इशारिया वाली रकम दें, ठीक है, तो उसको आप फ़ीसद में कैसे बदलाएंगे। तो पहले हमने इसमें लिखना है, मैंने आपको बता दिया फ़ीसद क्या होता है, फ़ीसद का मतलब होता है एक ऐसी रकम जिसमें ये लिखा हो, ठीक है। इशारिया क्या होता है, इशारिया एक ऐसी रकम होती है जिसके अंदर इशारिया इस्तेमाल होता है। इशारिया, इशारिया क्या होता है, इशारिया को हम इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट, क्या कहते हैं पॉइंट। ये कैसे होते हैं देखिए मैं आपको बताती हूँ। अब एक हमारे पास रकम है ना 22 और साथ ये, तो ये हो गई फ़ीसद वाली रकम। अगर हमारे पास लिखा हुआ है 22/3 तो ये हो गई कसर वाली रकम, ठीक है। अगर हमारे पास लिखा हो 22.9, अब इसमें इशारिया इस्तेमाल हो गया तो ये कौन सी वाली रकम है, ये रकम है हमारे पास इशारिया वाली, क्या कहते हैं इसे, इशारिया वाली रकम। तो हमने इसे कन्वर्ट करना है, तो हम लिख, इसमें उन्होंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, ठीक है, कि आपने ये नीचे दी गई तमाम रकमों को किस में चेंज करना है, फ़ीसद वाली रकमों को इशारिया में बदलाएं, को इशारिया वाली रकम में बदलाएं। इसमें पहला जो उन्होंने हमें कहा है, उन्होंने कहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास रकम है 54%, इसे कैसे बदलाएंगे। तो हमने कहना है ठीक है 54 लिखा, फ़ीसद को हमने उड़ा दिया, तो हमने इसकी जगह क्या लिखते हैं 54, जब हम फ़ीसद उड़ाते हैं तो हम लिखते हैं ज़रब 100, ठीक है, सॉरी तकसीम करते हैं हमने, जब हमने इशारे फ़ीसद ख़त्म करना होता तो हम क्या लिखते हैं कि जो रकम है उसको आप 100 पे डिवाइड कर दें, ठीक है, ये हमने उड़ा दिया। अब ये हमारे पास कौन से बनेंगे, कसर वाली रकम। हमने फ़ीसद वाली रकम किसके अंदर बदला दिया, कसर वाली रकम के अंदर। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे, आपने अपने कैलकुलेटर पे डिवाइड करना है 54/100, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.54, ठीक है। तो ये इशारे वाली रकम बन गई, बस ये आपका आंसर है, ये वाली रकम जो है ये आपका क्या है, ये आपका जवाब है। दूसरी रकम है हमारे पास 16/1/2% को बदलाएं, तो हमने कहना है पहले तो हम ऐसे करेंगे कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, फ़ीसद वैसे रहेगा ना, पहले इस सारे को हम करते हैं कि 16 2 बार कितना होता है, 16 2 बार हम कहते हैं कि हमारे पास होता है, हमने कहना है 16 को 2 के साथ 6 2 बार 12, 2 1 बार 2 32 और 32 में 1 33/2, ठीक है। आगे से हमने क्या करना है, हमें लिखना है 33/2 वहीं पर रहेगा, इसे उड़ाने के लिए क्योंकि हमें इशारे में रकम देनी है ना, हमें फ़ीसद का जवाब तो नहीं देना, यहाँ तक जवाब मुकम्मल होगा अगर वो हमें कहते हैं फ़ीसद के अंदर बदलाएं, ठीक है। अगर वो हमें कहते हैं ना कि ये एक बहुत कम अजीब सी फ़ीसद है, इसको एक आम फ़ीसद के अंदर बदलाएं, तो यहाँ तक जवाब था, लेकिन हमें तो इशारे के अंदर जवाब देना है, तो इशारे में जवाब देने के लिए अब हमने फ़ीसद भी उड़ा देना है। फ़ीसद उड़ाने के लिए हम क्या लिखते हैं, फ़ीसद उड़ाने के लिए हम लिखेंगे इस पूरी रकम को तकसीम कर दें 100 के साथ, और 100 के साथ तकसीम करने का क्या तरीका होता है, 33/2, 100 के नीचे कुछ भी नहीं, मतलब 100 के नीचे 1 और ज़रब 1/100, तो इसके इन दोनों के आपस में कोई कटिंग नहीं होती, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 33/200। ये कौन सी रकम है, ये कसर वाली रकम है। अगर वो हमें कहते हैं ना कि इस फ़ीसद को कसर में बदलाएं, तो हमने सिर्फ यहाँ तक लिखना था और हमारा जवाब मुकम्मल। उन्होंने हमें कहा इशारिया में बदलाएं, तो इसका मतलब है यहाँ तक आपका जवाब मुकम्मल नहीं है, आपने इसे कैलकुलेटर पे डिवाइड करना है। जब आप इसे कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया,
हमने एक फ़ीसद वाली रकम को पहले तब्दील किया कसर सिंपल फ़ीसद वाली रकम के अंदर, इसको हम फिर ले गए कसर वाली रकम की तरफ, और फिर कसर वाली रकम को हम इशारे के अंदर तब्दील करें, क्योंकि उन्होंने हमें कहा था हमें जवाब चाहिए इशारिया के अंदर, तो हमने इशारे के अंदर तब्दील कर दिया। ठीक है, फिर तीसरा सवाल जो है, तीसरा सवाल है कि आप बदलाएं 27 एक इशारिया 3% को इशारिया के अंदर, तो आपको ठीक है आपको फ़ौरन इसका जवाब आना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा ऐसे सवाल कर लिए हैं, तो हमने कहना है 27 और 3 को हमने ज़रब देना है, 27 ज़रब 3, 7 3 बार 21, 3 2 बार 6 और 7 और 8 81 के अंदर 1 जमा करें 82 डिवाइड बाय 3। ये तो सिर्फ इसका हमने हल निकाला है, फ़ीसद का निशान तो आएगा ना, क्योंकि हमने फ़ीसद को तो अभी हटाया ही नहीं है। अगर हम फ़ीसद को हटाएंगे तो फ़ौरन हमने लिखना है इसको तकसीम 100, और 100 का क्या मतलब हुआ इसका, ये मतलब उसके नीचे 1 है, हमने लिखना है 82/3 ज़रब 1/100। इसकी आप कटिंग कर लें और फिर 3 पर तकसीम कर लें, आपका दिल करें। अगर आप कटिंग नहीं आती तो आप सिर्फ ऐसे लिखा करें कि 82/1 3/100 इसे मैं लिख सकती हूँ ना, 82/300 तो जब आप इसे तकसीम करेंगे तो आपका जवाब आएगा 0.273। बस ये आपका जवाब है। देखें, आप देखें जवाब के अंदर इशारिया आ रहे हैं, इसका मतलब आपने बिल्कुल ठीक हल की है। उन्होंने कहा था ना कि इस फ़ीसद को आप इशारे के अंदर तब्दील करें, और देखें हमारा आंसर इशारे के अंदर आ गया, इसका मतलब है हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। इसके साथ आप अगर अपनी किताब खोल लें, ठीक है, उसमें इन्हीं सवालों के नीचे एक सवाल है कि असल हमने इंग्लिश में इतने नंबर हासिल किए, ठीक है, वो मैं आपको आखिर में करवाऊंगी, क्योंकि अभी हमने सीखा फ़ीसद को इशारे में तब्दील करें, तो अब हमें सीखना चाहिए कि हम इशारे को फ़ीसद में कैसे तब्दील करें। जब मैं आपको वो सिखा दूंगी उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगी, ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं होनी चाहिए थी। चले अब हम अगली मिसालें करते हैं, जिसमें हमने इशारे वाली रकम को लेना है और उसको तब्दील करना है फ़ीसद के अंदर। उन्होंने नीचे 3-4 दी हुई हैं, आप कोई भी इशारे वाली रकम अपने जहन में सोचें, कौन से सोचें, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने जहन में सोच ले 5.98674, इसको मैं कैसे फ़ीसद में बदला दूँ। ठीक है, कोई भी आपके जहन जो मर्जी इशारे वाली रकम आए उसको लें, आप उसको 100 के फ़ीसद के अंदर तब्दील कर लें। ठीक है, जैसे अब हम मैं आपको करना सिखाऊंगी, इन्होंने तो 3-4 एग्जाम्पल दिए हैं ना, आप तो किसी भी रकम को अपने जहन में लाएँ उसको फ़ीसद में तब्दील कर दें। जैसे कि आपकी किताब वालों ने जो सबसे पहले हमें कहा, उन्होंने कहा कि ना 0.7 को बदला लें किसके अंदर, फ़ीसद के अंदर, तो हमने कहना है पहले हम ये रकम लिखेंगे 0.7, हमने फ़ीसद के अंदर तब्दील करना है। ठीक है, तो इस रकम को पकड़ कर जब आप ज़रब देंगे ना 100 के साथ, तो हमेशा जो भी जवाब आएगा उसके साथ फ़ीसद भी आएगा। ठीक है, यानी कि इस रकम को ज़रब दे दें 100% के साथ, तो ज़ाहिर सी बात जवाब किस में आएगा, 100 के अंदर आएगा। और मैं आपको एक बात बताती हूँ इशारे कैसे हल करते हैं। ठीक है, या तो अगर आपको कैलकुलेटर मिलता है तो ठीक है, आप कैलकुलेटर पे करके देखें, आप 0.7 को 100 के साथ ज़रब देना, आपके पास आ जाएगा 70 और ये वाला फ़ीसद तो साथ आएगा ही आएगा। ठीक है, ये वाला ठीक है, लेकिन जिन बच्चों के पास कैलकुलेटर नहीं है और वो खुद करना चाहते हैं तो क्या करें, वो लिखें 0। ठीक है, ये मैंने निकाला है कैलकुलेटर में से, लेकिन अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आप खुद कैसे करेंगे, ये 70 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आप खुद करें। खुद करने का तरीका क्या है, आप लिखें 0.7 ज़रब 100%। तो इसके नीचे जहाँ पर होता है ना इशारे, इसको उड़ाते हैं, उड़ा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, इसके नीचे लिखते हैं 1। अब इशारे के बाद एक रकम थी ना, एक रकम मतलब 10 लगा दें। ठीक है, बस इसका मतलब वो ऊपर से हमने सारा कुछ ख़त्म हो गया, ऊपर क्या रह गया, सिर्फ रह गया 7 और नीचे क्या आ गया 10 और यहाँ पर 100, इन दोनों के आपस में कटिंग हो जाएगी, और 7 ज़रब 10 क्या होता है 70 और 7% और नीचे यहाँ पर क्या रह गया था 1, 0 तो कट हो गया ना, क्या रह गया 1, 1 ज़रब 1 क्या होता है हमारे पास 1, तो हम लिख देंगे 70%। तो अगर आप फ़ौरन चाहेंगे तो कैलकुलेटर से निकाल लेंगे 70%। ठीक है, अगर आप खुद निकालना चाहते हैं तो आप खुद भी ऐसे करके निकाल लें, जैसे भी आपका दिल करें, बस जवाब ये है कि इसको जब फ़ीसद में चेंज करते हैं तो आंसर आ जाता है 70%। अब हम इसकी दूसरी एग्जांपल करते हैं। ठीक है,
दूसरी एग्जांपल के अंदर है 0.13 इशारिया व रकम को फीसद में तब्दील करना। अभी हमने सीखा है कि इस रकम को लें आप ज़रब दे दें 100% के साथ, बस ये आप फार्मूला है, जो भी रकम पकड़ी 100% के साथ ज़रब दे दी। मैंने आपको कहा कैलकुलेटर पर ज़रब दें, ज़रब देने के फ़ौरन बाद आपके पास जवाब आ जाएगा जी 13%। और जो बच्चे कैलकुलेटर के बजाय हाथ पर करना चाहते हैं ये वाला तरीका इस्तेमाल करें। ये वाला तरीका क्या है, 0.13 और 100 का 100 वही पर, फीसद भी फीसद, इशारे को उड़ा दें, नीचे लिखें 1, यहाँ पर 2 रकमें हैं तो 7 लगा दें, 2 0, इसका मतलब है ऊपर रह गया सिर्फ 13। पहले वो था 0.13, अब वो क्या है, अब वो है सिर्फ 13। 2 0 2 0 के साथ कैंसिल हो गए और जवाब क्या बन गया, 13%। यानी कि जो बच्चा अपने हाथ पर कर रहा है उसका भी जवाब 13%, जिसने कैलकुलेटर के साथ किया उसका भी जवाब क्या आ रहा है, उसका भी जवाब आ रहा है 13%। ठीक है बेटा, मैं आपको आराम आराम से करवा रही हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं जल्दी जल्दी करवाऊँ तो आप मुझे बता दें, ताकि फिर मैं आपको एक सवाल करवाया करूँ और बाकी आप खुद करने करें। ठीक है, मुझे लगा कि शायद आपको ना एक एक सवाल करवाना चाहिए। तीसरा सवाल है आपका 1.26, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने कहना है ये रकम लिखी, 7 लिख दिया 100 और 7% खुद ब खुद आ जाएगा। कैलकुलेटर पे करें, हाथ पर करें, आपका इन दोनों को ज़रब देनी है, आपने इन दोनों रकमों को ज़रब दे दें। ज़रब देने के बाद आपके पास बन जाएगा 126, और फ़ीसद तो हम कैलकुलेटर पे नहीं लिखते, तो फ़ीसद आपने खुद अपने हाथ से 7 लिख देना, 126%, ये हमारा है जवाब, आंसर। इसके बाद आपकी मशक शुरू होती है। ठीक है बेटा, मशक के अंदर इसके बाद हमारे पास क्या, पहले मैं आपको ना वो मिसाल करवाती हूँ जो मैंने पीछे आपको छुड़वा दी थी, है ना, अब हमने वो करनी है। तो मैं इसी छुड़वाई क्योंकि ना पहले उन्होंने हमें सिखाया फ़ीसद को इशारे में बदलाएं, फिर अब हमें करना चाहिए था फ़ीसद को इशारे को फ़ीसद में बदलाएं। ठीक है, उसके बाद अब हम वो एग्ज़ाम्पल करेंगे। तो इस एग्ज़ाम्पल में हमें कहा गया था कि मेरी किताब के तकरीबन सफ़ा नंबर 6 पर ये एग्जांपल है, ठीक है, आपके चैप्टर में लिखी हुई है कि असलम ने इंग्लिश में 50 में से 35 नंबर हासिल किए, उर्दू में से 75 में से 60 और मुताले पाकिस्तान में 75 में से 72 नंबर हासिल किए, इसकी किस मजमून में कारगर्दगी बेहतर रही। ठीक है, अब आपको क्या लग रहा होगा, जैसे अब मैं आपको बताती हूँ, इंग्लिश में आ गए 50 में से 35, मतलब इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर हम वैसे जहन में लेकर आएँ कि ना 50 में से उसने ले लिए 35, उसे कितने नंबर गए कटे, 15 नंबर कटे, है ना। फिर जब हम कहते हैं उर्दू, उर्दू में 75 में से उसे कितने नंबर आए, उसके नंबर आए 60, कितने नंबर कटे, 15 कटे। फिर हम कहते हैं कि जी उसके हमने कहा मुताले पाकिस्तान में, ये उर्दू था, फिर हम कहते हैं मुताले पाकिस्तान में, मुताले पाकिस्तान में उसके आए 75 में से 72, सिर्फ 3 नंबर कटे। तो हमें ये लग रहा है कि उसके मुताले पाकिस्तान में कारकर्दगी अच्छी है और इन दोनों में बराबर, इसमें 15 कटे, इसमें 15 कटे, है ना। हमें ये लग रहा है कि इसमें तो सबसे अच्छी कारकर्दगी है, मुताले पाकिस्तान में सिर्फ 3 नंबर कटे और इन दोनों मजमूनों में इसकी कारकर्दगी बराबर है ना, लेकिन बराबर नहीं है। ये कैसे, जब हम इसको फ़ीसद में बताएंगे तो आपको पता लगेगा कि उसने कितने ज़्यादा फ़ीसद नंबर हासिल किए। तो इसको हमने फ़ीसद के लिहाज से हल, इस सवाल को हमने हल करने, सबसे पहले हमने लिखना है कि इंग्लिश में हासिल करदा नंबर, वो तुम्हें पता है ना, इंग्लिश में हासिल करदा नंबर, उससे इंग्लिश में हासिल करदा नंबर कितने थे, 35। लेकिन अगर हम कहें कि इंग्लिश में हासिल करदा नंबरों की फ़ीसद, इंग्लिश में हासिल करदा फ़ीसद, हमें नंबर तो पता है, नंबर तो उसके 35 हैं, लेकिन अगर हमसे पूछें कितने फ़ीसद उसने हासिल कर लिया, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि जी 35 उसने हासिल किए, 100 में से नहीं, 35 उसने हासिल किए 50 में से। ठीक है, उसने किस में से, ऐसे लिखता है टेस्ट के ऊपर कि आपके नंबर हैं जी 35/50 तो हमने लिख दिया कि उसके 50 में से 35 नंबर हैं। फ़ीसद के अंदर तब्दील, ये तो हमारे पास होगी कसर, और हमारे पास हमने क्या करना है, कसर तो नहीं लिखनी है, हमने कसर को इसमें चेंज कर देना फ़ीसद के अंदर, तो फ़ीसद के अंदर चेंज करने का मैंने आपको तरीका बताया था। इस पूरी रकम को आपने क्या करना है, इस पूरी रकम को आप ज़रब दे दें 100 और फ़ीसद के साथ, तो जवाब आपका फ़ीसद में आ जाएगा। ये कसर उन्होंने हमें ये बताया था कि 35 नंबर हासिल किए 50 में से, तो मैंने इसे ऐसे लिखा कि 50 में से 35 नंबर, इसे हम लिखते हैं 35/50। लेकिन उन्होंने तुमसे फ़ीसद में पूछा था, तो फ़ीसद में तब्दील करने के लिए मैंने इसे 100 और फ़ीसद के साथ ज़रब दे दिया। ठीक है, तो अब आगे से हमें पता है ना, कटिंग हो जाएगी 0 और 0, 5 1 बार 5, 5 2 बार 10, इन दोनों ज़रब दूँ 70%, यानी कि इंग्लिश में उसने 70% नंबर हासिल किए। ठीक है,
अब आगे से हम कहेंगे कि उसने उर्दू में कितने नंबर हासिल किए। उर्दू में हासिल नंबर उसने हासिल किए 60 नंबर 75 में से। कितने हासिल किए? 75 में से 60 नंबर। मैं दोबारा से करके दिखाती हूँ, 60 नंबर हासिल किए 75 में से। लेकिन हमने बताना है कि कितने हासिल किए, फ़ीसद कितने हासिल किए। उर्दू में हासिल करदा फ़ीसद, ये मैंने यहाँ पर नंबर लिखा था, ठीक है, नंबर। तो हमने कहना है फ़ीसद के बदला लेते हैं, ये रकम है, इसको जैसे ही हमने 100 और फ़ीसद से तब्दील करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। कटिंग अगर होती है तो कर लेते, जैसे 5 के टेबल पे हो जाएगी। 5 के टेबल पे हम क्या कहेंगे कि हमारे पास 5, एक बार 5, 5, 5 मरतबा 25, और यहाँ पर 5, 2 और 10, इन दोनों को ज़रब दे देंगे, इस पर डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा जी 80%। उर्दू में इसने कितने फ़ीसद हासिल कर लिए? 80%, ठीक है। अब ये उसकी उर्दू में हासिल करदा फ़ीसद हो गई, ये होगी इंग्लिश में हासिल करदा फ़ीसद। फिर हम कहेंगे मुतालिया, मुतालिया पाकिस्तान में हासिल करदा नंबर, उसने कितने हासिल किए थे? उसने हासिल किए 72 नंबर 75 में से, यानी कि 75 में से 72 नंबर उसने हासिल किए, और हमने तो बताना है फ़ीसद, ठीक है। फिर हम इसे लिखेंगे मुतालिया पाकिस्तान में हासिल करदा फ़ीसद। हमने लिखना है यहाँ पर 72/5 को ज़रब दे देंगे 100% के साथ, तो हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इस पर डिवाइड कर दें, तो आपका आंसर आ जाएगा 96%, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि उसने इंग्लिश में नंबर हासिल किए 70%, उर्दू में हासिल किए 80%, और मुतालिए पाकिस्तान में हासिल किए 96%। तो सबसे बेहतरीन कारकर्दगी उसकी रही मुतालिए पाकिस्तान में, यानी कि असलम ने सबसे बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया मुतालिए पाकिस्तान में। यहाँ पर आपकी मशक जो आपका पहला था वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, इसके बाद आपकी मशक शुरू हो जाती है, ठीक है। अगर आप मशक इसके सवाल देखें तो वो बहुत ज़्यादा सवाल हैं, हर एक के अंदर तकरीबन, जैसे यहाँ पर तकरीबन बिना आपके 20-30 सवाल हैं। तो ये जो होती है इसको मैं ट्यूशन पे हल करवाती हूँ, ठीक है। अगर आपने मेरे पास, मैं आपको अपनी ट्यूशन का नंबर बता देती हूँ, ठीक है, अगर आपने मशकें करनी हो तो मेरे पास ट्यूशन पे कर लीजिएगा। तेईस 16, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ इसमें मैं आपको ट्यूशन देती हूँ, ठीक है। और ये मेरा दूसरा नंबर है ट्यूशन वाला, ज़्यादातर ये वाला नंबर ऑन होता है, ठीक है। तो आप इस पर कॉल ना कीजिएगा, आप इस पर कॉल कीजिएगा, ठीक है, ये ज़्यादातर यही ऑन रहता है।